हेलो बच्चों, क्लास 12th बायो में आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसके आपने दो सेगमेंट पढ़ लिए थे और आगे का कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये जीवाणु है एक, और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस या लंग्स या फेफड़ों में वायुकोश एल्विलाई संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, लिक्विड भर जाता है फेफड़ों के अंदर, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज्वर यानी तेज बुखार, ठिठुरन, खांसी और सिरदर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ तथा हाथ की उंगलियों के नाखून का रंग धूसर तक हो जाता है, नीला हो जाता है, धूसर हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ग्रे मैटर के रूप में। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को ड्रॉपलेट्स अथवा एयर सॉल्स सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन का इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग हैं अतिसार, पेचिस, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। बहुत से जीवाणु भी मनुष्य में रोग का कारण होते हैं। जीवाणुओं का ऐसा ही एक समूह नासा विषाणु राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रमण रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुकाम प्रतिशाय के लक्षण नसीय संकुलता, नोजन, नेजल कंजेशन और अस्राव, कंठदाह, स्वर रुक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि, जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले विंदुक ड्रॉपलेट्स जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं उसके, अथवा पेन किताबों, प्यालों, दरवाजों के हैंडल, कंप्यूटर की कीबोर्ड, इस तरह के आम यूज़ की जो चीज़ें हैं जो सब यूज़ करते हैं कॉमनली, जैसे संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं जो मलेरिया के बारे में, जैसे मलेरिया के बारे में सुना होगा आपने, ऐसा ही एक रोग मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक ऐसा बहुत छोटा सा प्रोटोजोआ है इस रोग के लिए ये उत्तरदायी होता है। प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आदि विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी। इनमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मैलिग्नेंट सबसे गंभीर है, ये घातक भी हो सकता है। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।